नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। तो शिक्षा विभाग समाचार से शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी खबर आ रही है, चलिए जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2-3 माह बाद ही शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। मध्य प्रदेश में कोरोना काल से लड़ाई के लिए लॉकडाउन का आज 54वां दिन है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़ों में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, वहीं मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए प्रदेश में सब कुछ बंद है। इसका सबसे ज़्यादा असर अब शिक्षण संस्थानों पर पड़ रहा है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा का नया सत्र शुरू होने में तकरीबन 2-3 माह की देरी की संभावना जताई गई है। स्कूली शिक्षा विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। अब इस कमेटी से स्कूली पाठ्यक्रम में कुछ कटौती करने के सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन शिक्षण शुरू कोर्स में भी होगी तब्दीली। भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत किए जाने के बाद जहां पर नया शिक्षा सत्र विलंब से शुरू होगा, वहीं ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। चूंकि शिक्षा सत्र विलंब से शुरू होगा, इसलिए कोर्स में भी तब्दीली की जाएगी और नया जारी होने वाला सिलेबस कुछ बदला हुआ होगा। सरकार ने इस विषय में शिक्षकों की एक टीम गठित कर उनसे विद्यार्थी मत संगत कोर्स के लिए सुझाव मांगे हैं।